नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी फेज की वोटिंग आज। प्रशांत किशोर ने कहा, नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार की लोकप्रियता और ताकत कम हो गई है। पुलिस ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक समेत 130 लोगों को हिरासत में लिया। अमेरिका ने हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायली कार्यवाही का किया समर्थन। इजरायल ने बेरूत एयरपोर्ट के पास हिजबुल्ला के मिसाइल लॉन्चर पर किया हमला। दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में लगे इजरायल अमेरिका मुर्दाबाद के नारे। ईरान और ओमान ने शुरू किया पहला संयुक्त जमीनी सैन्य अभ्यास। अयोध्या रेप केस के आरोपियों मोहित खान और राजू खान पर लगा गैंगस्टर एक्ट। यूपी में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले करीब 39,000 कर्मचारियों को इस महीने नहीं मिलेगी सैलरी। दिल्ली में 5 अक्टूबर तक बीएनएसएस की धारा 163 लागू, रैली निकालने, धरना प्रदर्शन पर रहेगी रोक। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।